और मैं ये हेडलाइट के सामने शूट कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है, क्योंकि हम आ रखे हैं दार्जिलिंग के टाइगर हिल्स सनराइज शूट करने के लिए। एंड मैं रेडी, मैं उठ गया था 3 बजे, एंड 3 बजे के बाद तैयार होने के बाद हमें कैब ले आई यहाँ तक। हम 4:10 तक निकल गए थे, अराउंड आधा घंटा लगा हमें पहुँचने में, आधा घंटा से पौन घंटे लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं। और यहाँ से फिर हमें पैदल जाना है ऊपर। तो हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं टॉप पर, जो सनराइज ऑब्जर्वेटरी है। एंड अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे तारे ही तारे हैं, मतलब जब मैंने स्टार गेजिंग करी थी, जो मैं आपको दिखाया भी होगा, यहाँ पे उससे ज़्यादा सुंदर तारे हैं। तो यहाँ पे भी ट्राई करूँगा कि यहाँ पे मैं शूट करूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी 7 डिग्री है। मैंने जैकेट ऊपर से और पहन ली है। यहाँ पर खूब ज़्यादा भीड़ है, मतलब दार्जिलिंग के सारे टूरिस्ट को अगर देखना है तो वो यहीं पर आते हैं सनराइज देखने के लिए। तो टाइगर हिल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। This is the most beautiful scenery I've ever seen. मेरे सामने सनराइज हुआ है एंड मैं बता नहीं सकता कि कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब टाइगर हिल्स मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतना ज़्यादा खूबसूरत सनराइज देखने को मिलेगा। दार्जिलिंग में अगर आप आए हैं तो आपको ये ज़रूर से एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और ऐसा सनराइज मुझे लगता है आपको कहीं और देखने को मिलेगा। दार्जिलिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब यहाँ पे फ्लोटिंग सच पूरे बादल छाए हुए हैं, नीचे एकदम लगता है सारे सब कुछ डूबा हुआ है बादलों में। एक कोहरा भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा सूदिंग, बहुत पीसफुल है। एंड जब उसमें से जो गोल्डन किरणें निकली और जब वो कंचनजंगा पे पड़ी, पूरा जो कंचनजंगा है वो गोल्डन राइज हो गया था। इतना क्लियर सन दिख रहा है मुझे यहाँ से, इतना सुंदर सनराइज आप ही बिल्कुल मिस नहीं कर सकते अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हैं।
सूर्य देव को प्रणाम करने के बाद और एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस करने के बाद इस वीडियो को आज छोटा ही रखते हैं और समाप्त करते हैं यहीं पर। तो अगर आप भी कभी दार्जिलिंग आए और आपको मौका मिले तो आपको ज़रूर ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और इससे भी अच्छी वीडियोस मैं आप तक लाता रहूँगा। और आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा इस पूरी वीडियो का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलूँगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।